नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 6 और संक्रमितों की मौत, मिले 2499 नए केस। जानिए अपने जिले का हाल। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 2499 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 4264 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं, वही 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव संक्रमितों की संख्या घटकर 29974 हो गई है। पिछले 5-6 दिनों से नए मरीज मिलने की संख्या में निरंतर गिरावट दर्ज हो रही है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 6 मरीज की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 6 जिलों में मिलने वाले मरीजों की संख्या 100 से अधिक है, जिसमें रांची में 584, पूर्वी सिंहभूम में 591, बोकारो में 132, चतरा में 100, दुमका में 165 व खूंटी में 111, जबकि सबसे कम महज 3 मरीज पाकुड़ में मिले हैं। अन्य जिलों में मिलने वाले मरीजों की संख्या 10 से अधिक है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो धूप के बाद भी कनकनी का कहर। मैकलुअस्कीगंज में 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 22 जनवरी से बादल छाने के आसार। मौसम साफ होते ही रांची समेत राज्य के तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। धूप निकलने के बाद भी कनकनी का कहर जारी है। सूरज ढलते ही कनकनी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में रात का पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़का है। वही आज मंगलवार सुबह में रांची व आसपास के इलाके में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। वही सोमवार की रात को रांची का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 22 जनवरी से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, इस कारण कई जिलों में बादल छाएंगे। वही मौसम केंद्र रांची के हेड अभिषेक आनंद ने बताया है कि 23 जनवरी को राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश के भी आसार हैं। उन्होंने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति ने दी स्वीकृति। कल कैबिनेट में लगेगी मुहर। सस्ता पेट्रोल के लिए सीएम सपोर्ट ऐप तैयार। लॉन्चिंग कल। 50 करोड़ रुपए प्रति माह होंगे खर्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए NIC ने ऐप तैयार कर लिया है। योजना पर कैबिनेट की मुहर लगते ही मुख्यमंत्री कल 19 जनवरी को इस ऐप को आम जनता के लिए लॉन्च करेंगे। इसके बाद पेट्रोल सब्सिडी के इच्छुक गरीब परिवार इस ऐप पर आवेदन प्रारंभ कर देंगे। हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग के आहार पोर्टल पर 16 जनवरी तक 279 लोगों ने सब्सिडी के लिए आवेदन भी कर डाला है। आवेदनों को 2 स्तर पर जांच के बाद 26 जनवरी से मुख्यमंत्री दुमका में लाभुकों के खाते में सब्सिडी की राशि भेजकर इस योजना का शुभारंभ करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। तो सबसे अधिक कोरोना के 591 नए केस पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं। वहीं रांची में 584, बोकारो में 132, चतरा में 100, देवघर में 87, धनबाद में 73, दुमका में 165, गढ़वा में 29, गिरिडीह में 13 संक्रमित मिले हैं। वहीं गोड्डा में 71, गुमला में 55, हजारीबाग में 27, जामताड़ा में 11, खूंटी में 111, कोडरमा में 33, लातेहार में 49, लोहरदगा में 31, पाकुड़ में 3 और पलामू में 87 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं रामगढ़ में 30, साहिबगंज में 37, सरायकेला में 93, सिमडेगा में 31 और पश्चिमी सिंहभूम में 56 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड पंचायत चुनाव पर क्यों है सस्पेंस। मंत्री हफीजुल अंसारी ने दिए ये संकेत। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर पंचायत चुनाव कब होगा। मालूम हो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में ही पूरा हो चुका है। कार्यकाल में राज्य सरकार ने 6-6 महीने के लिए 2 बार विस्तार कर चुकी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कारण पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो सका था। अब जब कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है तो ऐसे में पंचायत चुनाव फिर टलने का अंदेशा जताया जा रहा है। वही आम लोग कहते हैं कि जब यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकता है तो झारखंड में पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकता है। अब झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन, खेलकूद, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि झारखंड सरकार पंचायत चुनाव जल्द कराएगी, इसकी प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। तैयारी पूरी होते ही राज्य निर्वाचन विभाग की तरफ से चुनाव कराया जाएगा। सरकार की मानसा चालू वित्तीय वर्ष में मार्च 2022 तक चुनाव
करा लेने की है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो पासवान ने स्कूल खोलने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की ओर से कल सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने और स्कूल खोलने की मांग की गई है। वही प्रदेश पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे, उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ, सहदेव, महासचिव सुश्री निशा भगत, अभिषेक साहू, संजीत यादव व रंजन यादव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने शिक्षा विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा एवं स्कूल खोलने की मांग की। अगली बड़ी खबर की बात करो तो सीबीएसई के सैंपल पेपर से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। कोरोना काल में बोर्ड परीक्षा के आयोजन और तैयारी को लेकर चिंतित विद्यार्थियों को सीबीएसई ने थोड़ी राहत दी है। बोर्ड ने टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया है। इससे प्रश्नों के पैटर्न आदि को लेकर काफी कुछ अस्पष्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं पिछले सत्र की तरह इस बार भी बोर्ड परीक्षा रद्द ना कर दी जाए, और यदि परीक्षा रद्द नहीं हो रही है तो कब और किस पैटर्न में आयोजित होगी। इन सवालों ने विद्यार्थियों को उलझा कर रखा है। इधर कोरोना की तीसरी लहर के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों को ऑनलाइन ही बोर्ड की तैयारी करनी पड़ रही है, जो उन्हें रास नहीं आ रही है। इस बीच सैंपल पेपर जारी होने से विद्यार्थियों को काफी हद तक राहत मिलेगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार मार्च और अप्रैल में बोर्ड परीक्षा होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो टुंडी विधायक मथुरा महतो के आवास का घेरावा। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले झारखंडी भाषा और भाषी के लोगों ने मंगलवार को टाटा सिजुआ 6 नंबर स्थित टुंडी विधायक सचेतक सत्तारूढ़ दल मथुरा प्रसाद महतो के आवास का घेरावा किया। घेरावा में सैकड़ों की संख्या में झारखंडी भाषा भाषी के समर्थकों ने भाग लिया। विधायक आवास के समीप नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि झारखंड केवल झारखंडी के लिए बना है, झारखंड राज्य के लिए मूल निवासी व आदिवासी लोगों ने अपनी जान गवाई है। हेमंत सरकार धनबाद में मगही व भोजपुरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल कर स्थानीय मूल निवासी व झारखंडी भाषा भाषी के लोगों के लिए रोजगार के अतिक्रमण के साथ यहां की भाषा संस्कृति का भी अतिक्रमण करने का प्रयास कर रही है, जिसे मूल निवासी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसको लेकर पूरे झारखंड में बृहद रूप से आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि जब तक यह निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा तब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करो आप बाइक में बीबी व बच्चे के साथ नहीं बैठ सकेंगे, पकड़े गए तो कटेगा चालान। अब मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तीसरे की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अब तक आपने अधिकांश देखा होगा कि पति पत्नी व बच्चे एक मोटरसाइकिल पर आते जाते रहे हैं, लेकिन अब इनकी परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने व्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(1) के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर आपका 1,000 रुपए का चालान कट सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो राज्यपाल रमेश बैस रांची के मतदाता बने, सूची में नाम दर्ज। राज्यपाल रमेश बैस और उनकी पत्नी रामबाई बैस का नाम रांची की मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सोमवार को राज्यपाल और उनकी पत्नी ने वोटर लिस्ट में अपने अपने नाम निबंधित कराए हैं। राजभवन पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 25 जनवरी तक राज्यपाल और उनकी पत्नी को उनका वोटर कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। सोमवार को राजभवन पहुंचे रवि कुमार ने 25 जनवरी को आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। 25 जनवरी का कार्यक्रम ऑनलाइन ही होगा, ऐसे में उक्त कार्यक्रम में राज्यपाल का वीडियो संदेश प्रसारित होगा। अगली बड़ी खबर की बात करो तो 20 सूत्री के बाद अब गठित की जाएगी 15 सूत्री कमेटी। झारखंड में सरकार की 20 सूत्री कमेटी के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 सूत्री कमेटी और निगरानी समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 सूत्री कमेटी के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस सप्ताह तक बचे जिलों में कमेटी के गठन कर लिए जाने की उम्मीद है। इसके बाद राज्य में 15 सूत्री कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर पर 15 सूत्री कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें 4 अल्पसंख्यक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसमें मुस्लिम, ईसाई समेत अन्य जो है अल्पसंख्यक कार्यकर्ता शामिल हो सकेंगे। वहीं निगरानी समिति जिला और प्रखंड स्तर पर होगी। इसमें दोनों जगहों पर 6-6 सामाजिक व्यक्ति सदस्य होंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करो बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेस वे झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड के लोगों को जल्द ही एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार बोकारो से गोला और मांझी एक्सप्रेस
एक्सप्रेसवे निर्माण की योजना को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। ऐसे में झारखंड में एक्सप्रेसवे बनने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। पहले चरण में यह सड़क बोकारो के जेना मोड़ से गोला तक बनाई जाएगी। वहीं दूसरे चरण में गोला से ओरमांझी रांची तक इसे बनाया जाएगा। बताया जाता है कि NHAI ने इस एक्सप्रेसवे के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है, जल्द ही इसके लिए टेंडर भी निकालने वाला है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए दो सेक्शन में टेंडर निकाले जाएंगे। बोकारो से गोला और गोला से ओरमांझी सेक्शन दो में टेंडर निकालने का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि दोनों सेक्शन को मिलाकर इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची विश्वविद्यालय PG की फर्स्ट लिस्ट के आधार पर नामांकन 20 तक। रांची विश्वविद्यालय के PG के नए सत्र 2021-22 की पहली सूची पर आधारित नामांकन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब पहली मेरिट लिस्ट के विद्यार्थी 20 जनवरी तक नामांकन ले सकते हैं। 17 जनवरी तक ही नामांकन की अंतिम तारीख थी, जिसे विश्वविद्यालय ने बढ़ा दिया है। 20 जनवरी के बाद ही विश्वविद्यालय की ओर से PG नामांकन की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करो गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गैंग पर ATS का शिकंजा। झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छापेमारी, 34 लाख नकद के साथ दो गिरफ्तार। झारखंड ATS ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमन श्रीवास्तव गिरोह के आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ झारखंड के अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छापेमारी की है। ATS की ओर से की गई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 34 लाख बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पिस्टल और हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।